दोस्तों, ये जो तीनों एलईडी बल्ब है ये बहुत दिन से हमारा पास पड़ा था, ये ख़राब हो चुके हैं। अक्सर आपका घर में जो एलईडी बल्ब होता है इसी तरह ख़राब हो जाता है। इसको आप ठीक करके यूज़ में ले सकते हो। दोस्तों, ये जो एलईडी बल्ब है ये जल रहा है, देख सकते हो, ये लगता है ठीक है। दूसरा बल्ब हम चेक करके देखते हैं। दोस्तों, ये भी ठीक है लगता है। दोस्तों, ये जो तीसरा बल्ब है हमारा ये बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। दोस्तों, हमने जो पहले जो दो एलईडी बल्ब हमने चेक किया वो एलईडी बल्ब एक तो लगता है बिल्कुल ठीक ही है, लेकिन ये जो एलईडी बल्ब है ये कुछ टाइम जलने के बाद फिर बंद हो जाता है। तो इसको एक काम करते हैं, हम साइड में रखते हैं, थोड़ी देर जलने देता है, देखते हैं। दूसरा एलईडी बल्ब को हमने रिमूव कर लिया है। दोस्तों, इसको अभी इसका पीछे का जो ये है इसको स्क्रू ड्राइवर से इसे बाहर निकाल के आता है। कुछ कुछ एलईडी बल्ब सोल्डिंग किया हुआ रहता है, उसको आपको सोल्डिंग का मदद से निकालना पड़ता है। ये तो हमारा आराम से बाहर आ गया है। दोस्तों, दूसरा जो एलईडी बल्ब हमने रखा था साइड में वो अभी बंद हो चुके हैं। पहले हम उसको देखते हैं, इसको साइड में रखते हैं। दोस्तों, ये जो एलईडी बल्ब है ये अभी बंद हो गया। अभी इसको एक होल्डर में लगाने के बाद सब जो भी एलईडी है इसमें हर एलईडी का नेगेटिव पॉजिटिव को साथ शॉर्ट करना है दोनों साइड। एक वायर लेके ऐसा जैसा दिख रहा है। दोस्तों, ये जो 20 का जो एलईडी है ये हमारा ये ख़राब हो चुके हैं। दोस्तों, ये ख़राब हो गया, इसको शॉर्ट करने से जल रहे है बल्ब, देख सकते हो गाइस, ये जल चुके हैं हमारा एलईडी। जब छोड़ दे रहा है तब ख़राब हो चुके हैं। दोस्तों, इसको निकाल देते हैं इसमें से, ऐसा एक स्क्रू ड्राइवर लेके आप इसको निकालने का बाद उसका ऊपर सोल्डिंग मारना है, उसको आपस में शॉर्ट कर देना है। गाइस, ये जो एलईडी बल्ब है ये सभी एलईडी एक दूसरे से सीरीज में लगा हुआ रहता है, इसी तरह इसका कनेक्शन होता है, एक का साथ दूसरा सीरीज में रहता है सभी बल्ब। एक एलईडी ख़राब होने से बाकी एक भी एलईडी नहीं जलता है। दोस्तों, ये हमारा बल्ब ठीक हो चुके हैं, देख सकते हो। अगर एक एलईडी ख़राब है तो आप चला सकते हो उसको शॉर्ट करके, नहीं तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो। दोस्तों, इसका जो सर्किट है इसका इसका बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, इसका जो रेजिस्टेंट और ब्रिज रेक्टिफायर डायोड और पीएफ वगैरह जो कुछ भी है ये सब खराब होता है ज़्यादातर। दोस्तों, ये जो कैपेसिटर है ये भी कभी कभी फूक जाता है, फूकने के बाद इसको फिल्टर नहीं हो पाता है इसका जो वोल्टेज है। दोस्तों, ये जो रेजिस्टेंस और पीएफ वगैरह है ये ज़्यादातर फट जाता है, शॉर्ट हो जाता है कभी कभार, और उसका आप उसको चेंज करके भी इसको ठीक कर सकते हो। दोस्तों, इसका जो भी कंपोनेंट है उसको हम एक बार मल्टीमीटर से चेक करके बताता हूँ। दोस्तों, ये सर्किट हमारा बिल्कुल ठीक है, ये ख़राब नहीं है। दोस्तों, इसका जो रेजिस्टेंस है ये कुछ ओम्स में वैल्यू दे रहा है, 500 के आसपास इसका ओम्स है। ये जो दूसरा कॉयल है ये भी ठीक है, सब कुछ इसका ठीक ही है, फिर भी आपको मेजर करके बता दे रहा हूँ। ये जो डायोड है, डायोड का एक साइड से वैल्यू देता है, दूसरा साइड से कुछ भी वैल्यू नहीं मिलता है इसका चेक करने पर। एक एक ही तरफ से एक ही डायरेक्शन में इसको
आपको वैल्यू मिलेगा मल्टीमीटर से चेक करने बाद। दोस्तों ये हमने चेक किया, इसका बेरीज रेक्टिफायर भी ठीक है, सब कुछ ठीक ही है गाइस। इधर एक चॉपर ट्रांसफार्मर जैसा लगा हुआ है, वो एक कॉइल है, उसको हम टेस्ट करेंगे, उसमें बीप का साउंड आएंगे आपको। ये सब कुछ सही रहेगा ना दोस्तों? इसको फिर वापस से हम इसको फिटिंग कर देते हैं, जो कि आपको इसका वोल्टेज भी मेजर करके दिखा दे रहा हूँ, देख सकते हो। इसका वोल्टेज लगभग 120 का आसपास आ रहा है, इसमें 110 वोल्ट रहता है जलने का बाद, विदाउट जलने से 120-130 ऐसा कुछ आता है दोस्तों, देख सकते हो। इसका ये एलईडी पहले भी एक बार रिपेयर हो चुके हैं, इसका एक एलईडी शॉर्ट करके जलाया था, अभी दूसरा बार जब दूसरा एलईडी शॉर्ट किया तो और एक एलईडी इसका ख़राब हो गया दोस्तों। इसको एक एलईडी ख़राब है तो आप जला सकते हो, दो तीन एलईडी ख़राब है तो इसको पूरा ही फेंकना पड़ता है। नहीं दोस्तों, ये जो ऊपर का जो सर्किट किट है एलईडी का, वो आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है, आप लेके आके लगा सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।